नमस्कार, वाइब्रेशन क्लासेस होम साइंस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है MUAC, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका फुल फॉर्म है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। तो ये जो एक क्या होता है कि ये एक मेज़रमेंट होता है, MUAC जो होता है वो एक मेज़रमेंट होता है। और ये मेज़रमेंट इसलिए होता है ताकि हम क्या हो क्या है कि माल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई कर सकें। ये जो मेज़रमेंट किया जाता है वो माल न्यूट्रिशन के लिए किया जाता है। और ये किसके माध्यम से किया जाता है? टिप के माध्यम से किया जाता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे भी हमारे जितने भी हमारे जो हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं उन सब में क्या किया जाता है कि ग्रामीण इलाकों में भेजा जाता है लोगों को, और उन्हें अवेयर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, उनको ये बताया जाता है कि आप जाइए गांव में, जाइए जो भी आपका क्षेत्र है आप वहाँ पे जाइए, वहाँ के लोगों को बताइए, और वहाँ के लोगों को आप इस जो जो ये टेप होता है, जो MUAC टेप होता है जिससे हम मेजर करते हैं, उस टेप से क्या है कि बच्चों को जो है आप मेजर करिए कि वो कुपोषण में है, मतलब माल न्यूट्रिशन में है, कि उनकी हेल्थ ठीक है, कि उनको क्या क्या किस किस न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं कि MUAC मेजर्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। तो जो ये मेजरमेंट किया जाता है ये आपका शोल्डर से आपका एल्बो के बीच में किया जाता है। इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो मैंने जैसे बताया कि पोषण संबंधी समस्याएं, कि बच्चा कुपोषित है कि नहीं है, कि उसको कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, क्या उसके अंदर कमी है, किसी वो डिजीज से तो नहीं उसको कोई प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों को मेजर किया जाता है। तो जो ये MUAC होता है इसका जो सीवियर कंडीशन होता है जिसे हम SAM होते कहते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ते हैं। MUAC लेस देन 110 मिलीमीटर, जिसे हम 11 सेंटीमीटर कहेंगे, इस रेड कलर इंडिकेट सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो जो ये आपका होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो होता है, ये क्या होता है कि ये रेड कलर की जो कंडीशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा पूरी तरह से कुपोषित होता है। जब हम टेप से बच्चे को मेजर करते हैं उसके जो है हम बच्चे की बाई भुजा पे, बाएं आर्म्स पे क्या करते हैं कि उसे बांधते हैं, उसे बांध कर हम मेजर करते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि बच्चा क्या है कि 110 मिलीमीटर मतलब 11 सेंटीमीटर में है, तो क्या होता है कि उसमें रेड कलर मेंशन होता है, रेड कलर से उसे हम मेजर करते हैं। और जो रेड कलर जो इंडिकेट करता है वो बहुत ही डेंजरस है, कि आप जानते हैं कि रेड कलर जो है जो डेंजर का जो है सिंबल है। तो वो क्या करते हैं कि रेड कलर से उसे मेंशन करता है, जो क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। वैसे आपके एग्जाम में जो पूछता है SAM करके शॉर्ट फॉर्म में पूछता है कि SAM जो है कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर होता है, तो इसमें क्या होता है कि द चाइल्ड शुड बी इमीडिएटली रिफर्ड फॉर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का 110 मिलीमीटर मेजर किया जाता है तो ये बच्चे की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती है, और बच्चे को तुरंत का तुरंत उसे ट्रीटमेंट की जरूरत भी होती है। अब हम आते हैं सेकेंड पे, देखते हैं सेकेंड में क्या होता है कि MUAC ऑफ बिटवीन 110 मिलीमीटर एंड 125 मिलीमीटर रेड कलर और ऑरेंज कलर। इसमें क्या होता है कि जो आपका MAM होता है जिसे हम मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहते हैं, इसमें जो हम मेजर करते हैं वो आपका 110 मिलीलीटर से आपका 125 मिलीलीटर के मिलीमीटर के बीच में होता है। और ये जो कंडीशन होती है ये भी बहुत अच्छी नहीं होती है। द चाइल्ड शुड बी इमीडिएटली रिफर्ड फॉर सप्लीमेंशन। इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक तुरंत हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट के लिए नहीं भेजा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि बच्चे को बहुत ही अच्छे से उसको सप्लीमेंट्री की ज़रूरत है, जो कि उसे क्या करना चाहिए कि उसके भोजन से उसे जो खाने पीने का जो उसका रूटीन है, जो न्यूट्रिशन वो ले रहा है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है, सारे न्यूट्रिशन है, इसकी सलाह दी जाती है। फिर थर्ड हमारा आता है कि MUAC ओवर 135 मिलीमीटर ग्रीन कलर इंडिकेट देन द चाइल्ड इज वेल नॉरिस्ड।
इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है इस वो क्या होता है, तो 135 मिलीमीटर के बीच में जब वो होता है, मतलब 13.5 सेंटीमीटर का होता है, तो उसे ग्रीन कलर से इंडिकेट हम करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी जो कंडीशन होती है वो वेल होती है, वो मतलब एक जो है हेल्दी बेबी, हेल्दी जो है चाइल्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जो ये मिड अपर सर्कमफेरेंस का मेजरमेंट है, इसमें जो 3 पॉइंट है, जिसमें जो आपका सैम है, जो सीवियर आपका आपका सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन है, इसे हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। आपका जो मॉडरेट एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन है, यम, इसे हम क्या करते हैं कि ऑरेंज कलर से इंडिकेट करते हैं। और आपका जो लास्ट है, जिसे हम जो है क्या करते हैं कि जो लास्ट है, जो कि एक हेल्दी चाइल्ड को प्रेजेंट कर रहा है, इसे हम क्या करते हैं कि ग्रीन टेप से मेजर करते हैं। ये ग्रीन कलर को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक था, जो कि बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू।